क्या आपको मैथ्स में डर लगता है? क्या लाख कोशिश के बाद भी अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। टू नो द ट्रिक्स स्टे ऑन द वीडियो। पहला बात, मैथ्स का डर मन से निकाल दीजिए। आप बोलोगे सर मैथ्स का डर कैसे निकालूं? हाँ, डर तभी लगता है जब हम लोग कोई भी चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो कॉन्फिडेंट बिल्ड करने से ही हम लोग का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर पाएंगे? प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस 1 to 1.5 hours डेली। मैंने अक्सर ये देखा है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री अच्छा लगता है, जिनको जियोग्राफी अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस अच्छा लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस सब्जेक्ट को आप अवॉइड करोगे उसमें ही मार्क्स कम मिलेगा। जिस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फियर है उसी को ज़्यादा करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा पढ़ोगे तो वही एक समय आपको अच्छा लगने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, जब ट्यूशन में या स्कूल में कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको घर में आके प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि कल कर लेंगे, तभी हम लोग भूल जाते हैं। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद रह जाएगा। और जो टॉपिक के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उसको हफ्ते में एक बार या 10 दिन बाद फिर से प्रैक्टिस करना है ताकि वो दोबारा याद आ जाए। पॉइंट नंबर 3, मैथ्स में जितना भी फॉर्मूला है, अगर आप 7 में हो तो 7th का बुक में जो भी फॉर्मूला है आप एक कागज़ पर लिख लो। अगर आप 8th पे हो तो जो भी फॉर्मूला है एक कागज़ पर लिख लो और उसी दीवार पर चिपकाना है जिस दीवार आपकी आंखों के सामने रहता है, मतलब आते जाते जिस दीवार आपकी आंखों के सामने रहता है, ताकि वो फॉर्मूला बार बार आपकी आंखों के सामने हो। इससे क्या होगा, वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। जिस टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक के ऊपर आप खुद को टेस्ट लीजिए हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार। बुक से क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद बिना देखे उसको करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो गलत हो गया है, आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो ये जो गलत करने के बाद जो आप सही किए हो ये दोबारा आपको गलती नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, आपके पास हमेशा एक फेयर कॉपी होना चाहिए जिस कॉपी में हर एक साम्स हो, ताकि एग्जाम के पहले वाला दिन हर एक साम्स आपके सामने हो और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।